अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। क्या हाल है, कैसे हैं आप भाई? ब्लॉग तो बड़े मजेदार मजेदार आजकल आ रहे हैं और आपको भी बड़ा मजा आएगा। ये मैं आपको बता दूं, ये साइन का जो है ना दे रहा है, हमजा साहब बैठे हैं। किसको फोन कर रहा था? दोस्त कर रहा। कैसा लगा फिर सिंध? बहुत अच्छा। साइन का फार्म हाउस और देरा कैसा है? बहुत प्यारा। गाइज आओ मैं आपको ना थोड़ा सा इसका टूर देता हूँ। ये छोटा सा जो है ना, इन्होंने एनेक्सी बनाई है जो हमारे लिए खास मेहमानों के लिए जो है ना यहाँ पे रखा हुआ है। बाकी इसके दो फ्लोर्स हैं और भी हैं, बड़े गेस्ट की जगह और साइड पे भी है। और ये इनकी जो है ना स्पेशल वाली है जहाँ पे बड़े करीबी गेस्ट होते हैं। और ये मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे मखदूम अमीन, फहीम, बिलावल भुट्टो और अपना भुट्टो साहब, खुद बेनजीर साहिबा, वो सारी आई हैं और उन्होंने इधर स्टे किया। बेनजीर साहिबा ने भी इधर स्टे किया जहाँ पे आपका भाई खड़ा है। ये बड़ी इनकी स्पेशल जगह है। बड़ी ये देखें, ये बस ये टू बेडरूम है यहाँ पे जो खास लोगों के लिए रखा हुआ है। इस साइड पे मेरे ख्याल है इनका कोई डाइनिंग एरिया, ये अभी बंद है। बड़ा डाइनिंग एरिया, वैसे एक डाइनिंग टेबल यहाँ भी रखी हुई है। तो ये साई ने जो है स्पेशल स्पेशल लगाया हुआ है, ये देखें। लेकिन ये हम पे लागू नहीं होता, ऐसे ही कह रहा हूँ मजाक से, वैसे हम लोग तो ये करते नहीं है। चल झूठा। मैं आपको दिखाऊं, ये मेरा बेडरूम है, ये दिया है। यहाँ पे जो है मैं लाइट्स ऑन कर लूं जरा। गाइस ये रूम देखें, पंखे का शोर आ गया और बड़ा प्यारा रूम है। ये पता नहीं क्या पड़ा हुआ है। ये साई ने स्पेशल कहा हुआ, ये जो चेयर है ना ये मेरे लिए है। असल भाई आप इस पे बैठा करो। मैं कह जी बड़ी मेहरबानी है आपकी, अल्लाह सलामत रखे। छत चेक करें, बड़ी प्यारी। मैं थोड़ा सा आपको वॉशरूम का टूर देता हूँ, फिर अहमद वाला कमरा दिखाता हूँ आपको। गाइज लुक, बहुत ही प्यारा वॉशरूम है। कैबिनेट्स भी अंदर हैं। अहमद साहब के रूम में चलते हैं, देखते हैं क्या कर रहे हैं। अहमद साहब उठे हैं कि नहीं उठे? अहमद साहब वॉशरूम में घुसे हुए हैं, लाइट्स भी नहीं ऑन की इसने। गाइज ये देखें, बड़े खूबसूरत माहौल है। ये सिटिंग एरिया है, छोटा सा इन्होंने एक सेपरेट पे कॉर्नर बनाया है और बहुत प्यारा है। गाइस फिर निकलते हैं जरा हैदराबाद को, आज जुम्मा भी है, घर भी जाना है और देखते हैं हैदराबाद शहर में कोई चीज़ें लेनी थी, अगर खुला है तो मैं चीज़ें ले लूँगा। फिर आएंगे वापस टंडो और टंडो से निकलेंगे घर अपने मुल्तान। क्यों हमजा ठीक है? ओके गाइस, ये है वो जगह जहाँ पे ये भुट्टो साहिबान वगैरह आते हैं और इनके घर स्टे करते हैं या कोई मीटिंग्स वगैरह या मुलाकात करते हैं। ये है वो ड्राइंग रूम। काफ़ी मैं पिक्चर्स भी देखता रहता हूँ भाईजान के साथ इधर जो है ना, बड़े बड़े अपना भुट्टो फैमिली के, बिलावल भुट्टो साहब पहले आए थे यहाँ पे इसी जगह पे, इसी ड्राइंग रूम में। ये जो अलहदा किया हुआ है ना, तो इन्होंने ये टॉप वाला हमें दिया है, ये अपने खास मेहमानों को देते हैं। उसके बाद जो है अपना नीचे भी फ्लोर है, उससे नीचे भी है पड़ा, तो डिपेंड करता है जैसे जैसे इन्होंने कैटेगराइज किया हुआ होगा लोगों के लिए। ठीक है गाइस फिर हम निकले, रवाना हो गए हैदराबाद के लिए। हनी भाई हैदराबाद इज ऑन द वे। ये देखो देखो जी ठंडे, क्या बात है। ये जुम्मन शाह की दरगाह। अच्छा अच्छा सही, ये है जुम्मन शाह की दरगाह। चलो जी हैदराबाद चलते हैं। यार टंडो से भाईजान कितना सफर है हैदराबाद का? तकरीबन कोई 70-72 किलोमीटर। बस इंशाल्लाह 40-45 मिनट में पहुंच जाएंगे। ठीक हो गया, ओके हो गया। के शहर का डेरा है वरिया हाउस। ये देखें, ये इलेक्शन ऑफिस है साई का। ये वरे हाउस, यहाँ पे 24 घंटे कोई ना कोई पॉलिटिकल मीटिंग्स गैदरिंग्स शुरू होती है।
जी जी, ये आपका है यहाँ पे जो है ना शहर का वरिया हाउस। गाइस हैदराबाद शहर पहुंचे हुए हैं और शहर तो भाई आज बंद है और हम जो है ना एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे है बॉम्बे, वहाँ जाना था बॉम्बे से कुछ ना कुछ चीजें लेनी थी जो बड़ी मशहूर है बिफोर पार्टीशन से, ये पार्टीशन से भी पहले की बेकर्स है। तो अदर इसकी चीजें कहीं और से मिल जाएंगी? नहीं, कहीं से हैं एक दो स्टॉप, एक दो पॉइंट है वहाँ पे चेक करें। हाँ, वहाँ मिल गई, गई तो ठीक है, नहीं तो फिर निकलते हैं। ये दाऊद सुपरमार्केट में आ गया हूँ, ये वाहिद सुपरमार्केट है जो खुली हुई है। आए आपको अंदर ले चलते हैं। असद क्या हाल है, कैसे हो? आज दाऊद लाइव जा रही है दाऊद सुपरमार्केट में हैदराबाद में, क्या बात है। मार्केट में हनीफ भाई को कोई काम था, वो ये चीजें शीजें लेते हैं सुपरमार्केट में। हमने तो जाना किसी और जगह और यहाँ पे वीडियो इतनी अलाउ नहीं है, फिर भी आप लोगों के लिए बना लेता होता हूँ मैं। इसी के साथ जो है ना दाऊद लाइव को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ठीक है। बेसमेंट में जा रहा हूँ अब, पता नहीं साईं ने फर्नीचर खरीदना है क्या खरीदना है, हमें उठा के ले तो आए हैं। बाय द वे ये पेंटिंग बहुत अच्छी है VW Volkswagen की, वेरी नाइस पेंटिंग। गाइस यहाँ पे देखे टॉय, शेर साहब ने फरमाइश की थी टॉय की, उनके लिए जो है ना टॉय ले लूँ मैं। गाइस ये खरीदा है शेर मोहम्मद के लिए, गाड़ियाँ टॉयज़ तो उसके पास बहुत ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें हैं, ज़रा प्लेफुल चीज़ है ये, ज़रा अच्छी लगेगी और वो कह भी रहा था। असद भाई ले लिया शेर मोहम्मद का सामान, क्या लिया और उसका बैग लिया है, अब उसके कोई चॉकलेट भी उठा लेते हैं, उठाते हैं। कोई M&M कह रहा था, चले मिल गई M&M, ये बच्चों को बड़ी पसंद है। चलिए जी गाइस तो पहुंच गए अपने फार्म हाउस पे, साई के फार्म हाउस पे, और साई का फार्म हाउस आपको दिखाते हैं अंदर से, तो आपने देख लिया था पहले, अब फिर दोबारा से जो है इसके ग्राउंड फ्लोर का टूर देता हूँ आपको। सबसे पहले तो ये साई की गाड़ियाँ खड़ी हैं, यहाँ पे टंड्रा खड़ा है और बड़ा मज़ेदार टंड्रा है, KS 111111। और ये देखें इस पर हम अभी गए हुए थे, और ये मैं आपको लॉन टूर देता हूँ इनका, बड़ा ही प्यारा ज़बरदस्त लॉन है, लश ग्रीन। ये इनकी कोई स्पेशल नंबर प्लेट है, रेड नंबर प्लेट। गाइस ये देखें मोर, कितने प्यारे मोर, वो देखें, वाओ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। एक एक चीज को डिजाइन किया हुआ है, बहुत प्यारा बहुत खूबसूरत। साईं बड़े टेस्ट वाले बंदे हैं हनीफ भाई, ये देखें गाइस। तो अब मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ, अंदर से आपको ड्राइंग रूम वगैरह दिखाता हूँ और सारा टूर देता हूँ आप सबको। वैसे यहाँ पे ये किसी को वीडियोस वगैरह अलाउ नहीं करते, ये उनकी बड़ी मेहरबानी है और उनकी बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। आज का स्टे आपके भाई का इधर ही था, मैं रात को इधर आ गया था, बहुत ज़्यादा थका हुआ था, फिर मैं सो गया, सुबह उठा ज़रा हैदराबाद गया, अभी वापस आए। तो अब ज़रा अंदर चलते हैं, आपको सबसे मिलो। हंजा मज़ा आ रहा है फार्म हाउस पे, है असल भाई हनीफ भाई का फार्म हाउस कैसा है? बहुत अच्छे, चले अंदर। गाइस ये है इनसाइड व्यू, असद ले गया। सबसे पहले तो गाइस आप ये देखें ना, ये देखें गाइस, ये बिलावल भुट्टो के साथ होते हैं, उनके बड़े दोस्त हैं, और यहाँ पे बड़ी बड़ी हस्तियाँ आई हैं। ये देखें ये भुट्टो से बांध, ये इसी गाइस इसी फार्म हाउस के इन्हीं ड्राइंग रूम में आए हैं बैठे। ये देखें गाइस, ये देखें आप, क्रोकोडाइल, ये क्या है? डियर
डियर नील गाय, नील गाय। गाइस यहाँ पे इतना ऊंचा नहीं बोलना, साईं के बड़े भाई सो रहे हैं इसलिए। गाइस ये सारा ट्रेडिशनल फर्नीचर पड़ा है पुराना, आप ये देखें। और ये भुट्टो साहब की पेंटिंग भी पड़ी है, मैं आपको दिखाता हूँ। गाइस ये देखें, ये जो किसका है, ये पता नहीं फौजी कैसे पहन लेते थे, मेरे तो सर पे जो है ना बड़ा ही भारी लग रहा है। और ये तलवार है, दिस इज रियल सॉर्ड। ये असली तलवार है। जी ये रहा ड्राइंग रूम। सर अस्सलाम वालेकुम। सर क्या हाल है, कैसे हैं? खैर वाफियत से ठीक है माशाल्लाह। वेरी वेरी ब्यूटीफुल फार्म हाउस, बहुत मजेदार है जी। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अब हम आप हमारे पास चक्कर लगाए ना? नहीं इंशाल्लाह आपको दिखाते हैं, जरूर है। गाइज ये देखें माशाल्लाह बड़ा प्यारा ब्यूटीफुल है एरिया। यहाँ से देखें आप, ये लाइट्स यहाँ पे डिम है। एक सिटिंग एरिया ये है, एक सिटिंग एरिया साईं का ये है। और गाइस जो बेस्ट पार्ट है ना, ये छत देखें, ये पूरी हैंडमेड छत है, ये हैंडमेड छत है। ये देखें ये ऐसे स्ट्रेट जा रही है। गाइस मैं आपको एक चीज दिखाऊं, यहाँ पे ये लॉन है, ये फार्म हाउस के अलग साइड है यहाँ पे जो है ना। और ये एक स्पेशल एक हट है पड़ी, ये हट है, मैं आपको हट दिखाता हूँ। ये देखें ये हट, ये इस साइड से अभी ये बन रही है, अंदर से ये बिल्कुल कंप्लीट है। तो मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। और यहाँ पे बहुत एंटीक चीज़ें पड़ी हैं। हनीफ भाई भी अंदर खड़े हैं और वो ज़रा कैमरा शाये हैं हनीफ भाई साईं। तो मैंने कहा ज़रा बताओ ना, ये डोर बहुत पुराना डोर है, तो आए अंदर मैं आपको दिखाऊँ। ओए ओए हनीफ भाई कमाल है। सबसे पहले वालेकुम सलाम, सबसे पहले तो इस डोर का बताए ना मुझे कितना पुराना है ये डोर। कुंडा तो लगा दिया अब आपने, ये है कितना पुराना? तकरीबन ये 50-60 साल होगा, 50-60 साल से ऊपर है, ऊपर पुराना होगा। अच्छा गाइस ये देखें, ये भी वही हैंडमेड छत है इस हट की। और ये स्टफ हुई हुई कूंज पड़ी है, देख रहे हैं आप। और बड़े ही कुछ सुविनियर्स पड़े हैं, छोटी सी डाइनिंग टेबल है यहाँ पे। हनी भाई हट का टूर दें, इस बॉक्स में क्या खजाना है सबसे पहले तो ये बताए ना। हमारे बड़ों का है। इसमें क्या, इसमें क्या होता था? इसमें सामान वगैरह, ये सोना वगैरह इसमें रखते थे, सोना वगैरह इसमें रखते थे। गाइस इसकी आप छत देखें कितनी खूबसूरत है, कितनी खूबसूरत। और हनी भाई जी जी ये क्या पड़े? गाइज आई एम सॉरी इधर लाइट कम है, ये जान के डिम लाइट रखी हुई है। ये आई एम श्योर ये पुराने जमाने का रेडियो है ना, ये रेडियो है। और मैं आपको दिखाऊं ये बेड। और गाइज आजकल तो ये टीवी भी बड़े नायाब हो गए हैं। और मैं आपको एक सबसे बेहतरीन चीज़ दिखाता हूँ, ये मेरे ख्याल है ये भी कोई रेडियो है। और सबसे बेहतरीन गाइज ये नहीं आ रहा होगा, ये अब आएगा नज़र, मेरा साया आ रहा था। ये कॉर्डलेस सेट है गाइज, ये जो कॉर्डलेस सेट है ये मुझे बिल्कुल अपने बचपन में याद आ गया। ये कॉर्डलेस सेट हमारे पास भी हुआ करता था, ये बड़ा हाई पावर था, ये बड़े नए नए आए थे और बड़ा फैशन था इनका, इन कॉर्डलेस सेट का। ये देखेंगे कोई कीनिया का कोई सुवेनियर लगा हुआ है यहाँ पे। साईं बड़ी माशाल्लाह आपने चीज़ें कलेक्शन रखी हुई है, क्या बात है भाई, हमारे बड़े भाई, भाई नहीं बड़े भाई तो है। अच्छा मुझे ये बताएंगे यहाँ पे कौन कौन आके रहता रहा है इधर? बड़ी बड़ी हस्तियाँ आके रही हैं। अच्छा जी चलें भाई, ये कॉर्डलेस यहाँ पे मैं रख देता हूँ, इसकी मोटर में हैंग कर देता हूँ। व्हाट अ ब्यूटीफुल हट, व्हाट अ ब्यूटीफुल हट गाइस। एक एक चीज को संभाल के रखा हुआ है, बहुत खूबसूरत है ये, बहुत खूबसूरत है। हाँ जी हमजा देखे, अहमद साहब तो सो रहे हैं फिर अब, चलो उसको जगाते हैं ठीक है। थैंक यू अदा,
गाइस ये बड़ी इज्जत से नवाजा है हनीफ भाई ने, ये ट्रेडिशनल ट्रेडिशनल अजरक है और जो इन्हें इनका प्यार होता है जिनसे ये उन्हें प्रेजेंट करते हैं और ये यहाँ का सिंध का कल्चर है। बड़े प्यारे हैं हनीफ भाई। अब हम हनीफ भाई से इजाजत लेंगे और हनीफ भाई हमें इजाजत है, आपका अपना घर है, हम इजाजत कैसे हैं? चले आज इजाजत दे दें, हमने जाना है, दुआओं की दरखास्त है। ले जी तो गाइस बड़ा मजा आया, सिंध का टूर बहुत अच्छा था। हनीफ भाई इजाजत नहीं दे रहे थे, बड़ी मुश्किल से उनसे इजाजत ली, गाड़ी में बैठे और निकल गए। ये रास्ता है, ये टंडो की सड़कें हैं माशाल्लाह। अहमद साहब आप क्या कहते हैं, कैसा रहा आपका? बहुत अच्छा जी, फर्स्ट विजिट था और इधर देख बताओ, बहुत अच्छा इलाके जी। अच्छा, बहुत खूबसूरत प्यारे लोग हैं। और कैसी आपकी हॉस्पिटैलिटी हुई? आपने तो सारा दिन जो है घर में रेस्ट मारा है, फार्म हाउस तो हमने विजिट की है। हाँ जी, बस कोई तबीयत सही नहीं थी इसलिए फिर घर में ही रहा, तो अब ये है कि तबीयत बेहतर है और अब घर की तरफ रवाना है, अल्लाह पाक खैरियत से। हमजा इधर हो गया अब आप। हाँ जी हमजा साहब आप बताएं। बहुत मजा आए, बहुत अच्छा इलाका लगे, फार्मिंग बहुत अच्छी है यहाँ की। अच्छा, फार्म हाउस कैसा लगा? फार्म हाउस भी बहुत अच्छा है। गाइस रवाना है, ठीक है, और अभी मोटरवे काफी दूर है सक्कर, यहाँ से साढ़े चार घंटे है, अहमद यहाँ 5 घंटे है यहाँ से यार सक्कर, तो रास्ता मुझे नहीं आता, मैं थोड़ा मोबाइल रख रहा हूँ, जब मोटरवे पे चढ़ेंगे तो फिर आपसे मुलाकात होगी। गाइस पहुंच गए सक्कर, 50 किलोमीटर दूर है और यहाँ से मैं फ्यूल ले रहा हूँ, ये शेल का पेट्रोल पंप है और जरा विंडशील्ड वगैरह साफ कराते हैं। सक्कर है यहाँ से कितना है सक्कर? 50 किलोमीटर है। ये मक्खियाँ जमी हुई हैं, जरा अच्छे से साफ करो। ये दूसरा वाइपर भी आपने नहीं खड़ा किया, आपको पता है फिर आपका भाई चलाता है नॉन स्टॉप गाड़ी, जहाँ पे फ्यूल खत्म होता है वहाँ से फ्यूल का टॉप अप, वरना तो नॉन स्टॉप चल रहा है भाई आपके, आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। फ्यूल डलवा लूं, फ्यूल भी डल रहा है, अब आपको फ्यूल दिखाऊं। ओए फ्यूल की स्मेल, घर पहुंच के कैलकुलेट करेंगे टोटल इस ट्रिप पे हमारा फ्यूल कितना लगा है, याद दिलाना कमेंट्स में मुझे। रवाना हूँ यहाँ से, अभी भी रोड़ी बड़ा दूर पड़ा है गाइस, अभी भी रोड़ी बड़ा दूर है। एक दोस्त की कॉल आई है कराची से, वो कह रहे हैं निकलो यहाँ पे, क्या कर रहे हो तुम लोग, रुके हुए हो, नॉट सेफ ओवर हेयर, आप लोग निकले यहाँ से। और रवाना हूँ, अभी भी रोड़ी काफ़ी तकरीबन 50 किलोमीटर दूर है यहाँ से सक्कर, रोड़ी से हमें मोटरवे मिलेगी और इस पर भी हमें 1.5 से 2 घंटे लग जाएंगे। मैंने तो समझा काफ़ी सफ़र हम कर गए, तो ये तो बस फिर अब जानी ही है। चलो जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गाइस फाइनली मोटरवे आ गया और ये देखें आप मोटरवे है, अहमद चढ़ जाए ऊपर, ये तो कोई बूथ पे बैठा ही नहीं था। गाइस अल्हम्दुलिल्लाह मोटरवे आ गया, हमें सब दोस्तों ने एडवाइस की थी कि इस टाइम पे ये जो पैच है पड़ा टंडो से सक्कर का, इस पे आप ना ट्रेवल करें, ये सेफ नहीं होता। बाकी आप सबकी दुआओं के साथ खैर वाफियत से हम पहुंच गए और अल्लाह की बड़ी रहमत हुई और ये अब मोटरवे स्टार्ट हो गया। अल्लाह सुबहाना ताला खैर से हमें मुल्तान ले जाएगी, तो कोई भी नहीं खड़ा था इनके बूथ्स पे। अहमद सही जा रहे हैं, सेट ने आपको क्या बता रहे हैं, हम किसी और साइड पर तो नहीं चले गए? सही है, सही है, यह मुल्तान की तरफ है ना। हाँ, इससे आगे तो मोटरवे था ही नहीं सक्कर से आगे। ले जी तो गाइस पहुंच के मुल्तान, घर पहुंच के सामान हमने निकाल लिया और बड़ा ही अच्छा सफर गुजरा कराची का, बड़ा मजा आया, बहुत मजा आया। सब दोस्तों का शुक्रिया जिन जिन्होंने मुझे वहां पे होस्ट किया है, फ्रॉम कराची टंडो आदम हर जगह। और इसी के साथ दाऊज लाइफ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।